हेलो माय फ्रेंड, सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव कुकिंग में। दोस्तों, मैंने ख़रीदा है फिलिप्स का सेंट्रीफ्यूगल जूसर। ये जूसर सेंट्रीफ्यूगल के सिद्धांत पे काम करता है, जिस पे हम दूध से क्रीम निकालते हैं। जूसर 2 लीटर कैपेसिटी का है, यानी कि इसके साथ जो जा रहा है वो 2 लीटर वाला आया है, और इसमें वाटेज है 800 वाट। इसमें कई वाट अवेलेबल है, लेकिन मैंने इसे 800 वाट का लिया है। इसका मॉडल नंबर है, मैं आपको इधर दिखाता हूं, इसका मॉडल नंबर है HR1863। आप देख पा रहे होंगे या नहीं, मैं थोड़ा करीब लाता हूं, जूम करता हूं। ये HR1863, तो ये इसका मॉडल नंबर है। और इसके आ जाते हैं टैग की तरफ, यहां पर है इसका टैग। थोड़ा जूम करते हैं, देखिए, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये 800 वाट का है और MRP है 9675। लेकिन मैंने इसे ख़रीदा है अमेज़ोन से, लगभग ये 7100 का मुझे पड़ा है। 800 वाट में है 220 से 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज। और इसकी सबसे अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, ये मेड इन चाइना है, लेकिन ये आया है नीदरलैंड से, तो क्वालिटी उसी हिसाब की है, नीदरलैंड से आया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इंपोर्ट बाय नीदरलैंड, तो ये विदेशी क्वालिटी होने की वजह से इसमें काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है इसकी। ऐसा हमारा मानना होता है कि जो विदेश से आता है अच्छा होता है, लेकिन वाकई जेन्युइनली ये बहुत अच्छा है। तो अब हम बात करेंगे इसकी क्वालिटी की। बॉक्स को कर देते हैं अलग, अब आ जाते हैं असली चीज़ के ऊपर। ये है मशीन इसकी, और मशीन का फंक्शन क्या है इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले ये आपको इसी तरह का पैकिंग में से निकलेगा, फुल असेंबल्ड मिलेगा आपको। ये आपको मैं बताता हूँ कि ये डिसअसेंबल कैसे होता है। तो इसमें सबसे पहले ऊपर का पोर्शन है, ये गाजर को डालकर प्रेस करने के लिए है, इसे अलग कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे से इस तरीके से साइड से उठाइए, ये खुल गया। ऐसे ही इधर से साइड से उठाइए और ये खुल गया। इसके बाद ये वाला पोर्शन उठ जाएगा ईजली, ये उठ गया आपका पोर्शन। तो ये पोर्शन आपका उठ गया है। ये लोअर पोर्शन भी अगर आप उठाना चाहते हैं तो आपको पहले ब्लेड को उठाना होगा और फिर फाइनली आपका ये पोर्शन बाहर आ जाएगा। सारा कचरा इसमें जमा होएगा, और जो जूस है, जूस इस वाले हिस्से से निकल जाएगा सारा, ये जो हिस्सा इधर में है। तो इस तरीके से ये काम करेगा। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा वर्किंग समझाऊंगा। लॉकिंग बड़ा आसान है, यहाँ पर लॉक है और यहाँ पर इसका निशान है, आपको इसी पे लाना है। और ये लॉक, इसी तरीके से इसमें भी लॉक के निशान है, और इस साइड में लॉक के निशान है, और ये लॉक। इसके बाद आप इसे रखेंगे, जस्ट ये हो गया। उसके बाद आप इसे रखेंगे, ये हो गया इस तरीके से, इसे बंद कर दिया और नीचे को स्लाइड। ये इसकी असेंबली और डिसअसेंबली हो गई है। बात करेंगे इसकी पावर की, तो पावर के लिए इसे सप्लाई से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं लेकर आता हूँ सप्लाई का बोर्ड। इसमें एक चीज़ और है, ये जो इसका प्रेस करने के लिए वो है, इसमें एक लॉक अनलॉक है। वैसे इसकी ज़रूरत कुछ खास है नहीं, इसके बिना भी काम हो सकता है, लेकिन फिर भी ये इन्होंने दिया है ग्रिपिंग के लिए। तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, सफाई में बहुत आसान है, और पावर बहुत अच्छी है। तो चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ इससे जूस निकाल करके। तो दोस्तों देखिए, अब मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगा इससे जूस। इसके साथ ये मग आता है सुंदर सा, जो कि 2 लीटर का है। इसमें हम निकालेंगे चुकंदर का जूस, और चुकंदर काट लिए हैं मैंने, चुकंदर काटेंगे और जस्ट इसके अंदर चुकंदर डालने हैं। सभी डाल देते हैं और
बाद इसे लगा देते हैं एंड तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से इसमें क्रश कर दिया पूरा चुकंदर को, कोई समस्या नहीं है, बहुत ताकत। अगर आप 1 किलो वाट ये या 800 वाट पे जाते हैं तो आपको बहुत ताकत मिलेगी, लेकिन अगर आप 500 वाट पे जाते हैं तो मैं सलाह नहीं दूंगा। इसमें 2-3 मॉडल हैं 500 वाट से लेके 1 किलो वाट तक के, तो 1 किलो वाट में आपको बहुत आसानी रहेगी, बहुत अच्छी ताकत मिलेगी आपको, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इसकी लाइफ भी लंबी होगी। जबकि 500 वाट का जो आपका यूज़र है वो जल्दी ख़राब होगा, क्योंकि वो लोड लेने के लिए इतने अच्छे डिज़ाइन नहीं होते। देखिए दोस्तों, जूस निकालने का काम पूरा हो गया है, अब मैं इसे आपको दिखाऊंगा वॉश करके। इसे वॉश करना भी बहुत आसान है। देखिए, एक और क्वालिटी में इसकी बताना भूल गया था कि इसके सक्शन का बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी ये बहुत अच्छे से चिपक जाता है, तो इसके गिरने का डर नहीं है। इसे ले आते हैं वॉशिंग के प्लेस पर जहाँ हमने वॉश करना है, और सबसे पहले यही काम करेंगे कि हम इसे अलग करेंगे इस तरीके से। ये अलग कर लिया, इसके बाद ये अपर लेयर को लीजिए, जस्ट वाटर इससे निकाल लीजिए। इसे धोना इतना आसान है कि आपको देखकर हैरत होगी कि इतनी आसानी से भी आप धो सकते हैं किसी चीज को, लगेंगे इसे धोने में मुझे। ये भी पोर्शन क्लियर हो गया। इसके बाद ये वाला पोर्शन जिसे जूस निकला था, ये भी क्लियर हो जाएगा 2 सेकंड में। ये भी क्लियर हो गया। ये भी क्लियर हो गया है। तो आप देख रहे हैं कितना कम टाइम इसमें लगता है ब्लेड को निकालना है। ब्लेड को निकालने के बाद ब्लेड को भी क्लियर कर देंगे, ब्लेड में भी कोई टाइम नहीं लगने वाला। ब्लेड के लिए आपको थोड़ा सा ब्रश की जरूरत पड़ सकती है, तो ब्लेड को थोड़ा ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। तो ब्लेड को रख देते हैं, इसमें सिर्फ आपको ब्रश लगाना पड़ेगा, बाकी किसी चीज़ का आपको ब्रश नहीं लगाना। ये सब देखिए, ये सब आप एक प्लेट ले लीजिए, प्लेट के अंदर नीचे निकाल देंगे, इसमें कटिंग करके हमने रखा था। देखिए सब इधर निकाल देते हैं, सब निकाल दिया है, और इसके बाद इसे भी वॉश कर देंगे। हार्डली पूरे ऑपरेशन में लगा है मात्र 2 मिनट 35 सेकेंड। तो 2 मिनट में आपने इसे वॉश कर दिया, इतना आसान आपको कहाँ कुछ मिलेगा। जबकि और बाकी जो जूसर होते हैं उन्हें वॉश करने में बहुत टाइम लगता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जूसर पसंद आया होगा, और अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। मैंने इसे अमेज़ोन से ख़रीदा है, लेकिन वो साइटों पे भी उपलब्ध है, जहाँ आपको बेहतर डील मिले आप वहाँ से ले लीजिएगा। मैं अब जहाँ से मैंने बाय किया है वहाँ का लिंक दे दूंगा, अगर वही डील आपको बेहतर लगे तो वहाँ से ख़रीद लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।